बाद हमारे जो परम मित्र हैं हमारे भाई दिनेश लाल यादव जी, पूरा वर्ल्ड उनको प्यार से निरहुआ बोलता है, तो मैं उनका इंटरव्यू एक देखा था कि हाँ हम तीन भाई हो गए तो चौथा अब हमारे भाई पवन सिंह की बारी है। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज। हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं अमित जी। फिलहाल हम लोग एक इंटरव्यू देखे हैं पावर स्टार पवन सिंह के, और उसमें बोले हैं कि हमको मौका मिल रहा है तो राजनीति में उतरेंगे, और अमित जी से पूछना चाहते हैं कि पवन सिंह के बारे में क्या बोलना चाहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। और आपको बता दें कि आज के समय में काफ़ी राजनीतिक हलचले हैं, और कहीं ना कहीं तक हमने भी एक इंटरव्यू देखा हुआ था, हम लोग देखे हुए थे इंटरव्यू कि न्यूज 18 पर, कि उनका भी इच्छा है कि कहीं ना कहीं तक भोजपुर जिला के से सांसद का जो है चुनाव 2024 में लड़ें और अपने जो कदम है राजनीतिक में उतारें। तैयारी बा रवि किशन जी हमारे बड़े भैया हैं, मनोज तिवारी जी हमारे बड़े भैया हैं, और चुनाव जीतने के बाद हमारे जो परम मित्र हैं हमारे भाई दिनेश लाल यादव जी, पूरा वर्ल्ड उनको प्यार से निरहुआ बोलता है, तो मैं उनका इंटरव्यू एक देखा था कि हाँ हम तीन भाई हो गए तो चौथा अब हमारे भाई पवन सिंह की बारी है। देखिए, मैं अपने से बड़ों का सबका सम्मान करता हूँ और अपने से छोटों का भी सम्मान करता हूँ, जो हमारे बराबरी में बा हम ओके भी सम्मान करीला। हम देखी फॉलो करीला अपने चाचा के, जे हमारा रियल गुरु है, जेकर नाम है श्री अजीत सिंह जी। तो हमको जो चाचा बचपन में सिखाए थे उसी रास्ते पे हम आज हैं और आजीवन रहेंगे, और हम उसी को फॉलो करते हैं कि जो हमारे चाचा ने ज्ञान दिया है हमको उसी रास्ते पे चलना है। तो मैं अपने चाचा श्री अजीत सिंह जी को ही फॉलो करता हूँ। मेरे जीवन का देखिए सपना बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं प्रभु से सिर्फ इतना ही गुहार करता हूँ कि हे प्रभु मुझे उतना ही धन दीजिए कि मैं खा लूं, और जो हमारे घर में अतिथि आए उनको बढ़िया से सेवा सत्कार कर दूं और उनको भी अच्छे से खाना खिला दूं और सेवा करूं। हाँ, जीवन का लक्ष्य यही है, अगर भगवान हमको उस पद पे बैठाएंगे तो मेरे जीवन का लक्ष्य यही है कि मैं इतना जरूर करूंगा कि हर घर में खुशी हो, जे भी छोट बा अपने से बढ़ के सम्मान करे, इज्जत करे, और रास्ता चलूं तो हम बेटी भी बहन के ब्याह करते चली। और कहीं ना कहीं तक एक पहले भी हम लोग इंटरव्यू के माध्यम से उन्होंने कहा कि हमारे भोजपुरी के तीन सिपाही, जैसे कि निरहुआ हो गए दिनेश लाल यादव, निरहुआ हो गए, उसके बाद रवि किशन जी भी हो गए, उसके बाद फिर मनोज तिवारी जी भी हो गए, दो लोग तो यूपी में, क्या लग रहा है उसके बारे में, उसके बाद कौन आएंगे? अभी तो तीन लोग जुड़ चुके हैं राजनीतिक में, उतरे हैं फिल्म इंडस्ट्री। सही बोल रहे हैं, देखिए राजनीतिक में तो तीन लोग अपने कदम बढ़ा ही चुके, आपको बता ही रहे थे, दिनेश लाल यादव जी हो गए, उसके बाद फिर रवि किशन जी भी हो गए, उसके बाद फिर मनोज तिवारी जी भी हो गए, दो लोग यूपी से सांसद बने हैं और एक जाकर दिल्ली में सांसद बने हैं। तो कहीं ना कहीं तक देखिए पवन सिंह अगर चुनावी, पवन सिंह का अपना विचार है, और कहीं ना कहीं तक निरहुआ जी भी बोले हुए हैं, पहले भी इंटरव्यू में बोले हुए हैं कि आज के समय में जो कि हम लोग भोजपुरी के तीन भाई तो हम लोग सांसद बन चुके हैं, चौथा का बारी है, और चौथा का बारी वही है कि पवन सिंह के बोल रहे थे कि पवन सिंह का बारी है। तो कहीं ना कहीं तक देखिए पवन सिंह आज के समय में काफ़ी, कौन नहीं जानता है पवन सिंह को, आज के समय बड़े बड़े गाने, सुपरहिट गाने भी दिए हुए हैं और सभी लोग उनको पावर स्टार के नाम से भी जानते हैं। कहीं ना कहीं तक एक सिंगर जो है अगर राजनीतिक में उतरता है तो कहीं ना कहीं तक, और भोजपुरी सिंगर खास करके, तो भोजपुरी का मान सम्मान और आगे बढ़ेगा, और भोजपुरी जो है भोजपुरी का और विचार चलने लगेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पवन सिंह अभी राजनीति में उतरेंगे तो जीत जाएंगे? देखिए जीतना और हारना तो अपने अलग बात है, और फैंस के ऊपर डिपेंड है, फॉलोअर्स के ऊपर डिपेंड है। कहीं ना कहीं तक पवन सिंह का फॉलोअर्स कमी है नहीं, और कहीं ना कहीं तक उनको मानने वाले पूरे देश दुनिया में है आज के समय में। और रहा बात सिंगिंग एक्टर से, सिंगिंग एक्टिंग से अब राजनीतिक में कदम बढ़ाना, तो उनका राय है। अच्छा, फिल्मी दुनिया और राजनीतिक में अंतर है, तो क्या राजनीति में उतरेंगे तो अच्छा से मतलब चला पाएंगे? देखिए हाँ, कहीं ना कहीं तक देखिए कौन कहे नहीं, आज के समय में बिना मतलब जो पढ़ा लिखा भी है उसको भी संविधान के तहत ये है कि आप चुनाव में लड़िए, और चुनाव में आप मतलब चुनाव लड़िए,
किसी को भी आज स्वतंत्रता है, फिर डेमोक्रेसी है हमारे देश में कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है। और रहा बात पवन सिंह का, तो पवन सिंह अच्छे कलाकार हैं और पवन सिंह अच्छे कलाकार हैं, उनके मानने वाले बहुत लोग हैं, खास करके आरा से बिलोंग करते हैं और बहुत दिन से काम कर रहे हैं, लगभग 10-15 से 20 साल से काम कर रहे हैं भोजपुरी एक्टिंग की दुनिया में। तो कहने के तक सब लोग का इच्छा होता है कि अंत में कि हाँ हम भी लोग देख रहे हैं कि 3 जो है भोजपुरी के एक्टर चुनाव में लड़े हैं तो वो भी चुनाव लड़ना चाहेंगे। अच्छा, पवन सिंह और आरके सिंह के छवि के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हाँ, रहा बात छवि का, देखिए आरके सिंह के लोग विकास पुरुष के नाम से जानते हैं, पूरे भोजपुर जिला ही नहीं पूरे भारत देश में उनको विकास के पुरुष के नाम से जानते हैं। और रहा बात पवन सिंह का, भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। रहा बात वो तो फैमिली मैटर, वो बात अलग है, वो अलग मायने रहता है, समझ रहे हैं। फैमिली, हर एक फैमिली में कुछ ना, हर एक फैमिली के लोगों के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हैं, ऐसी बात नहीं। देखिए पवन सिंह बहुत दिनों से भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं तक ये मानना है उनका कि अब चुनावी रणनीतियाँ में भी, चुनावी में भी कूदे तो सही बात है और अच्छा बात है, और चुनाव लड़ते हैं तो जीत भी जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। और कहीं ना कहीं तक जो है पवन सिंह को बीजेपी इस्तेमाल करेगी यहाँ पर भोजपुर जिला में, जो कि स्टार प्रचारक के रूप में भोजपुर जिला में नहीं पूरे बिहार में, पूरे देश में। और तो कहीं ना कहीं तक कम समय जो है कम मिलेगा पवन सिंह को चुनावी रणनीतियाँ जो है मतलब बनाने में। कहीं ना कहीं तक पिछले चुनाव में हमने देखा हुआ था कि पवन सिंह को स्टार प्रचारक के रूप में पूरे देश में घुमाने का काम कर रहे थे, और ऐसा बात है तो स्टार प्रचारक के रूप में कम हो जाएंगे पवन सिंह जो है बीजेपी की तरफ से। और अच्छा बात है कि एक भोजपुरी के जो कलाकार जो हैं भोजपुर के सांसद बनेंगे और कहीं ना कहीं तक भोजपुर के लिए बहुत सारे अच्छे काम करेंगे। और आप बात आरके सिंह का, तो आरके सिंह को चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वो तो आने वाले समय में ये बताया जाएगा, और आरके सिंह से मतलब गवर्नर भी बनाया जा सकते हैं। और रहा बात चुनावी में रणनीति की है, तो चुनावी में कूदना है तो सही बात है कि चुनाव भाई उतरें और कहीं ना कहीं तक अगर चुनाव लड़ते हैं तो पूरे भोजपुर जिला में अच्छे काम करेंगे। अच्छा, तो आप बोल रहे हैं पवन सिंह अभी रणनीति में उतरेंगे तो जीत जाएंगे, हमको तो नहीं लग रहा है कि जीतेंगे। कैसे ऐसे कैसे मतलब कैसे नहीं लग रहा है भाई, उनके फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा कैसे तो कह दीजिए? ऐसा बात नहीं है, फॉलोअर्स कोई बात नहीं है, लोग देखते हैं कि राजनीतिक में उतरेंगे तो अच्छा ढंग से चला पाएंगे कि नहीं। नहीं देखिए पवन सिंह हालांकि कम बोलते हैं, सब लोग जानते हैं कि पवन सिंह कम बोलते हैं, तो ऐसा बात नहीं है कि राजनीति में उतरेंगे तो जीतेंगे नहीं। जैसा बात पहले लोग हालांकि कहते खेसारी लाल जी को भी कि चुनाव में उतरेंगे तो खेसारी लाल जी भी क्लियर कर दिया, लेकिन पवन सिंह जो है पूछा गया पवन सिंह से तो पवन सिंह बोले हैं कि अब हम चुनाव, अगर मौका मिलेगा तो हम चुनाव में उतरेंगे, तो सही बात है चुनाव लड़ सकते हैं। अच्छा, आरा से तो हमारे माले के राजू यादव ने चुनाव लड़ते हैं। हाँ अच्छा, हाँ सही बोल रहे हैं। देखिए पिछले चुनाव में हमने भी देखा हुआ था कि आरके सिंह के खिलाफ जो है राजू यादव जी चुनाव लड़े हुए थे, और रहा बात चुनाव राजू यादव जी का और कन्हे, देखिए राजू यादव भी अच्छे छवि के नेता हैं और भी माले से हैं, और आपको बता दें कि माले से पहले 2 बहुत फेमस चेहरा थे बिहार में, जो कि एक कन्हैया कुमार जी थे और एक राजू यादव जी, और कहीं ना कहीं तक मीडिया का जो प्रभाव जो है कन्हैया कुमार पर ज़्यादा पड़ा। कन्हैया कुमार जी बोलने वाले नेता थे, बोलने वाले हैं, और देखिए जब से आप कुछ बोलिएगा नहीं ना तब से आप राजनीति में कुछ नहीं कर पाइएगा। और वहाँ बात रहा बात जो है यहाँ पर पवन सिंह और राजू यादव, अभी तो बोले कि जो बोलेगा राजनीति में वही कुछ कर पाएगा, तो अभी तो बोले कि पवन सिंह नहीं बोलते हैं कुछ ज्यादा, तो कैसे बोल सकते हैं कि जीत पाएंगे? राजनीति में नहीं ना कूदे हैं जी, ऐसा उल्टा। अभी तो बोले कि पवन सिंह ज्यादा नहीं बोलते हैं, जो ज्यादा बोलेगा वही कुछ कर सकता है। आरके सिंह भी कहाँ कोई ज्यादा बोलते हैं, हमने इंटरव्यू भी लिया था आरके सिंह से और पूछा भी था, आपको बता दें एक मिनट, आरके सिंह का इंटरव्यू भी हमने लिया था, आरके सिंह से हमने पूछा था, पहले हवा चल रहा था, ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि आरके सिंह मतलब गवर्नर बनेंगे, तो कहीं ना कहीं तक आरके सिंह से हमने जब पूछा कि आरके सिंह जी क्या आप गवर्नर बनेंगे या खुश हैं, तो इस बातों पर आरके सिंह काफी ठहाका लगा और खुश हुए कि वो तो मतलब पार्टी के ऊपर डिपेंड है कि पार्टी क्या करेंगी। अब बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए अमित जी। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आप भी हमारे प्रसुमित लाइव न्यूज़ पर जुड़ने के लिए, और ऐसे न्यूज़ देखने के लिए हमारे प्रसुमित लाइव न्यूज़ के सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।